ये फॉर्मूला हमने कल की क्लास में पढ़ा था, मैंने बताया था आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे 1.6 के तो एक दो क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला अप्लाई किया होगा। इसको आप एल हॉपिटल से भी कर सकते थे, मैंने एग्जांपल भी दी थी लास्ट क्लास में, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिस पे एल हॉपिटल लगता नहीं है क्योंकि वो 0.0 वाला मसला है, उसके अंदर वो नहीं आएगा, लेकिन वो आपने जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उस टेक्निक से आपने याद रखना है कि लिमिट का फॉर्मूला क्या है कि अगर एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के पास और फंक्शन की जो फॉर्म है उसको ज़रा गौर से देखो, आपके पास 1 मौजूद हो, एडिशन में इसके साथ 1/x मौजूद हो और पावर इसकी x हो, तीन चीज़ें आपस में सेम होनी चाहिए। कौन कौन सी? यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, लिमिट कहाँ पे अप्रोच करनी चाहिए? इन्फिनिटी के पास। तो इस पूरी चीज़, पूरी लिमिट का आंसर जो है वो e के बराबर हो जाएगा, और e एक बेसिकली इरेशनल नंबर है, इसका नाम है ऑयलर्स नंबर। एक इरेशनल है तो इसकी वैल्यू 2.713 समथिंग चलती जाती है, क्योंकि इरेशनल नंबर है तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अब ये है बेसिक फॉर्मूला बिल्कुल। अब इस फॉर्मूले में थोड़ी वेरिएशंस आती हैं। सबसे पहली वेरिएशन इस टाइप की आएगी कि आपको बोला जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/x की पावर x, ये आ जाएगा। तो याद रखना ये माइनस दरमियान में नहीं होना चाहिए, दरमियान में आप पॉजिटिव लगाओ और इस माइनस को आप यहाँ पर शिफ्ट कर दो। एक ही बात है, आप माइनस वन के साथ लिखो या दरमियान में लिखो, बात एक ही हो जाएगी। अब इसमें होता क्या है, देखो ये फॉर्मूला वर्क इस तरह करता है कि यहाँ पे जो x के ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पे जो x के साथ है, अगर आप देखो x के साथ 1 है अभी, तो इन दोनों को आप आपस से मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पे x के ऊपर 1 है, यहाँ पे x के साथ 1 है, 1 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 1 आता है, उसको आप बेसिकली पावर बना देते हो e का। ये बेसिक फॉर्मूला है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के ऊपर माइनस 1 है और यहाँ पे x के साथ 1 है, माइनस 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस 1, तो यहाँ पे e की पावर क्या बन जाएगी, माइनस 1 बन जाएगी। तो आपने करना क्या होता है, जो x के ऊपर है और यहाँ पे जो x के साथ है उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी रिजल्ट आए उसको आप e की पावर बना देते हो। एक और वेरिएशन इसके अंदर ये है कि अगर आपके पास आ जाए लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 2/x 3x, तो अब आप देखो x के ऊपर क्या है, यहाँ पे 2 और x के साथ यहाँ पे क्या है, 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 और इसको पावर बना दो e की, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जल्दी से मुझे आंसर बताना क्या होगा इसका। इसका आंसर क्या होगा, अच्छा माइनस में भी आप लिख सकते हो और आप नीचे लेके जाके पॉजिटिव भी कर सकते हो, मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हो 1/e की पावर 12, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं। क्या मैं इस तरह कह रहा हूँ, फ्रैक्शन पावर हो, अच्छा वो भी कौन सा बड़ा मसला है। अच्छा इसकी वेरिएशन तो और भी बन सकती हैं बहुत, कि नीचे x के साथ कुछ और आ जाए, तो वो तो बहुत बन सकती है लेकिन इतने मुश्किल आते नहीं है। लेकिन इस तरह भी आ सकते हैं नीचे कोई चीज़ आ जाए, मैं चलो उसका भी एक नहीं, उसको रहने दो यार, इतना मुश्किल आता नहीं है, नीचे x के साथ नॉर्मली आता नहीं है। यहाँ पे 4 आ गया और एक बंदे ने कहा फ्रैक्शन में लेट कर लो -1/2, ये चीज़ आ जाए, तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है -1/2 से, कॉन्सेप्ट वही है। तो 4 को -1/2 से मल्टीप्लाई करो -2, ये हो जाएगा e की पावर -2। अब मेरे अंदर एक कीड़ा होता है, जब बात जिक्र कर लिए तो मैं बता देता हूँ दोबारा कि ये भी वेरिएशन आ सकती है कि अगर आपके पास आ जाए 1/ लेट कर लो, ये सवाल आया हुआ है, अब यहाँ पे x के साथ नीचे कोई चीज़ आ गई है, ये मसला हो जाएगा आपको। तो आप इसका हल ये निकालना कि इस 2 को इस तरह लिख देना, एक ही बात है, आप 3/2 ऊपर लिख दो, डिवीजन में अगर x लिख दो तो बात एक ही है। 3/2 को यार माइक्रोफोन ऑफ कर लो, 3/2 को जब आप x से डिवाइड करोगे तो दोबारा वही आ जाएगा 3/2x, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आ रही है नीचे तो आप उसको इस तरह कन्वर्ट कर लेना, अब वही काम करोगे 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो e की पावर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी वेरिएशन है जो आपको एग्जाम में दे दी जाती हैं। अब आपको मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा, बस एक मेरा आखिरी सवाल है इससे रिलेटेड, उसका ज़रा मुझे जवाब दे देना कोई भी बच्चा। गौर से देना, नहीं यहाँ पे माइनस कर देते हैं,
अब इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव सिक्स। ई की पावर पॉजिटिव सिक्स। और कोई बच्चा बताना चाहेगा या सब कहते हैं ठीक है? ये मतलब सब एग्री कर रहे हैं इस बात से, ई की पावर से। मैं ख्याल में पुराना जवाब दे रहे हो। ई की पावर माइनस थ्री पॉइंट टू। नहीं यार, क्या हो गया? माइनस थ्री पॉइंट टू का तो सेंस ही नहीं बनती ना। आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, तो माइनस टू को माइनस थ्री से करो, असल चीज तो ये। तो उस बंदे ने आंसर सही दिया है, लेकिन मसला कर दिया, एक मसला ये कर दिया कि भाई किसी का माइक्रोफोन ऑन है, कुछ पूछना चाह रहे हो, बंद कर लिया करो। वैसे मुझे बहुत चीज़ें अनाए करती है। अच्छा तो यार आप लोग असल में इस चीज़ को देख रहे हो, आप पीछे तो आओ। लिमिट अप्रोच कहाँ पे कर रहे हैं? टू के पास अप्रोच कर रहे हैं। इस तरह खेलते हैं आप लोग, बस उसको देखते हो, मेन चीज़ को भूल जाते हो। मैंने आपको दो पॉइंट बताए थे, तीनों चीज़ें सेम हो, दूसरा पॉइंट क्या था? इन्फिनिटी हो, जो कि स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो कहते हैं यार हम तो सही कर आए थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ये मसला होता है। तो लिमिट यहाँ पे टू पे है। अब मैंने बताया था इन सवालों में सबसे पहले आप इन्फिनिटी पुट लिमिट पुट करते हो। अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो ना, तो आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही होगी। मैं बेसिकली इस केस की बात करता हूँ। जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, वन प्लस जीरो, और ऊपर पावर में क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो ये आ रही है वन अपॉन इन्फिनिटी, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तभी आपने इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब इन्फिनिटी नहीं आ रही, तो पुट करके तो देख लो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ भी रही है या नहीं आ रही। तो जब आप इसमें पुट करोगे टू, तो क्या होगा? वन माइनस टू अपॉन टू, मतलब एक्स या टू पुट कर दिया, बाहर भी आप टू पुट कर दो, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा? वन टू अपॉन टू वन होता है, वन माइनस वन जीरो की पावर माइनस एक्स भी क्या होगा? जीरो के बराबर। तो इस पूरी चीज का आंसर जीरो आ रहा है। तो बस रट्टे नहीं मार लेना कि जो फंक्शन है उसको देखने लग जाओ, लिमिट पे भी आ जाना कि चल क्या रहा है पीछे। एक फॉर्मूला ये है और एक और दूसरा फॉर्मूला है। अब उसमें लिमिट जो है वो जीरो है, इसी टाइप का बिल्कुल सवाल है। अंदर यहां पे वन अपॉन एक्स था, बाहर यहां पे एक्स था। अंदर यहां पे एक्स है, बाहर यहां पे वन अपॉन एक्स है। तो काइंड ऑफ सेम किस्म के क्वेश्चंस हैं, और यहां पे बस लिमिट जो है वो जीरो के पास अप्रोच कर रही है। तो इस पूरी चीज का आंसर ई के बराबर आ रहा है। अब अगेन इसमें भी वेरिएशंस होती हैं। जैसे अगर आपको वो दे दें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, वन माइनस एक्स वन अपॉन एक्स। अच्छा, इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप ये काम करते हो कि एक्स के साथ जो यहां पर लिखा हुआ है और एक्स के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको आपस में आप मल्टीप्लाई करते हो। तो एक्स के साथ माइनस वन है, एक्स के ऊपर वन है, तो माइनस वन को जब वन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ई की पावर माइनस वन। एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ जिसमें लिखा हुआ है, लेट कर लो वन प्लस टू एक्स टू द पावर थ्री अपॉन एक्स। एक्स के साथ टू लिखा हुआ है, एक्स के ऊपर थ्री लिखा हुआ है, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करो सिक्स, ई की पावर सिक्स। इसी टाइप की आप कोई एग्जाम्पल बना लो कोई, और सॉल्व करते जाओ, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिस पे एल हॉपिटल नहीं लगता, क्योंकि जब आप पुट कर रहे हो तो आपने देखा था ना वन अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, तो वन अपॉन इन्फिनिटी पे एल हॉपिटल रूल वर्क नहीं करता। तो ये टेक्निक जो है ये मैंने आप लोगों को बता दी है। क्लियर है बात यहां तक? यार कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं आपके पास, आपने कितने फॉर्मूले भी पढ़े हुए वो मैं फॉर्मूले दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, आप लोग अपने कोर्स से कॉपी कर लेना। जैसे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा लिमिट का, इन सब पे एल ऑर्बिटल लग सकता है। ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इस पूरी चीज़ का आंसर वन होता है। तो याद करना चाहो तो याद कर लो, क्योंकि ये तो आप क्वेश्चंस में यूज़ करते होगे, आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए फॉर्मूला। लेकिन बिलफर्ज अगर आप भूल जाते हो तो एल ऑर्बिटल लगा सकते हो। अभी अगर आप इसमें लिमिट पुट कर रहे हो तो आपके पास जीरो अपॉन जीरो आ रहा है, तो आप एल ऑर्बिटल लगा दो। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होगा, माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो, नीचे x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। तो इन शॉर्ट आपके पास फंक्शन क्या बचा? e की पावर x। इसमें जब आप 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 1 के बराबर होती है। तो दोनों ऑप्शन है, आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, और अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो आप यहाँ पे एल हॉपिटल भी लगा सकते हो। इसी तरह एक और फॉर्मूला ए की फॉर्म में भी था, ए की पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। इस पूरी चीज का आंसर एल एन ए था,
इस पे भी अगर आप एल हॉस्पिटल लगाओगे देखना आपके पास आंसर एल एन ए आ रहा होगा यार। फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। तो डिफरेंट फॉर्मूला आप जो कोर्स में यूज करते आ रहे हो उसको जहन में रखना। कुछ आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पढ़ी थी। जैसे अगर आपके पास बहुत ही मशहूर है ये, तो मेरे ख्याल में बच्चे बच्चे को पता होगा, और जिसको ये नहीं पता तो उसका मतलब उसने चैप्टर किया ही नहीं है। साइन एक्स अपॉन एक्स, इस पूरी चीज़ का आंसर वन के बराबर होता है। यही प्रॉपर्टी टेंजेंट के अंदर भी होती है, कॉस के अंदर नहीं होती, ठीक है? क्योंकि कॉस जब इसके अंदर आप पुट कर रहे हो ना तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। अगर यही सवाल कॉस की फॉर्म में आ जाए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉस एक्स अपॉन एक्स, तो इसमें तो इनडिटर्मिनेट ही नहीं आ रही ना। पुट करके देखो, यहाँ पे जीरो पुट करो, कॉस जीरो क्या होता है वन के बराबर। नीचे जीरो पुट करो, वन अपॉन जीरो की लिमिट इन्फिनिटी होती है, और इन्फिनिटी इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको आप अनडिफाइंड फॉर्म बोल सकते हो लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है ये। तो इन्फिनिटी आपका आंसर है। इवन 1.7 में कोई क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका एक आंसर इन्फिनिटी भी आ रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट समझते हैं इन्फिनिटी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी खुद इनडिटर्मिनेट नहीं है, इनडिटर्मिनेट वही सात है जो मैंने आप लोगों को लिखवाई थी। तो अब इसमें जब डायरेक्ट आप पुट कर रहे हो तो आपके पास आंसर आ रहा है, इसमें एल हॉस्पिटल लगाने की क्या जरूरत है आपको? और अगर लगाओगे तो गलत कर दोगे, ये जहन में रखना। स्टूडेंट समझते हैं कि बोथ ऑप्शन है आपके पास, बोथ ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है तभी आप लगा सकते हो, अदरवाइज एल हॉस्पिटल लगाओगे मेथड गलत हो जाएगा पूरा, ठीक है? तो इन फॉर्मुलों को देख लेना। क्या कह रहे हो? एग्जाम्पल फाइव फॉर्मूला यार ही पूरा, मतलब इसमें क्या चीज समझ नहीं आ रही? जल्दी बताओ क्या मसला क्या हो रहा है इसके अंदर? ये फॉर्मूला से तुम लोगों ने पहली दफा देखा है क्या? यार एक तो इसको तरीका है आप वैसे याद कर लो, अगर एल हॉस्पिटल लगाना चाह रहे हो तो एल एन वहां से आ जाएगा ना। अगर आप यहाँ पे सॉरी जीरो है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे जीरो पुट करोगे देखना इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही होगी जीरो अपॉन जीरो, तो आप डिफ्रेंशिएट कर दो। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स एल एन ए, और माइनस वन का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो एल हॉस्पिटल जब आपने लगाया तो आपके पास ये डेरिवेटिव आ गया। अब आप लिमिट पुट करो, x की जगह 0 पुट करो, a की पावर 0 1 होगा, तो पीछे क्या बच जाएगा? ln a बच जाएगा। तो मैंने बताया ये फॉर्मूले आप लोगों को इस्तेमाल करने आने चाहिए, वरना क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे? ये आपका 1.7 में यूज हो रहा है फॉर्मूला, ये यूज हो रहा है। तो अगर फॉर्मूले नहीं भी आते तो चलो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, वो तो मैंने बता दिया ना, ठीक है? अच्छा इसी तरह अगर आपके पास आ जाए, कॉपी कर लो इसको अगर करना है तो, कोशिश ये किया करो यार जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ ना उससे पहले कुछ रिवीजन कर लिया करो, क्योंकि वो टाइम काफ़ी लगता है। अभी चैप्टर टू मैंने पढ़ाना है तो आप लोगों को कुछ आइडिया होगा तो आप लोग पिक कर पाओगे, वरना उसमें फंस जाओगे। अगर आपके पास आ जाए कि लिमिट निकालो x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर x, मतलब e की पावर में आप इन्फिनिटी पुट कर दो, ये लिमिट का आंसर है। तो याद रखो जब किसी नंबर की पावर आप बढ़ाते जा रहे हो, इन्फिनिटी का मतलब एक बड़ा नंबर, e एक बेसिकली नंबर है ना, e कांस्टेंट है, उसकी पावर जब आप इंक्रीज करते जाओगे अगर आप इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो आंसर भी उसका इन्फिनिटी होगा। अगर ऑब्जर्व करना है तो कैलकुलेटर में e स्क्वायर निकालना और कैलकुलेटर में e की पावर 20 निकालना, देखना फर्क कितना बड़ा आ जाएगा। तो अगर पावर इन्फिनिटी है इसकी तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? पूरा इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर x का आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आंसर है इसका। और अगर कंसिडर कर लो ये वाला सवाल आ जाए e की पावर माइनस x, तो अब मसला थोड़ा चेंज हो जाएगा। e की पावर माइनस x को आप इस तरह लिख सकते हो 1 अपॉन e की पावर x, और अब अगर आप लिमिट पुट करोगे तो e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की लिमिट होती है 0। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे e की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी होती है 0 के बराबर, ठीक है? उसके बाद ये वाला सवाल भी आ सकता है कि अगर x अप्रोच कर रहा है 0 के पास a अपॉन x, a की पावर कुछ ऊपर कोई भी नंबर लिखा हुआ है और नीचे आपके पास x आ गया, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे नीचे 0 पुट कर दोगे, और आपको पता है जब डिनोमिनेटर में 0 हो जाए
तो लिमिट इनफाइनाइट हो जाती है। अच्छा, अगर आपके पास ये वाली चीज आ जाए, यही फंक्शन हो लेकिन आप लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के पास, तो ये हो जाएगा a अपॉन इन्फिनिटी। और जब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए, मतलब डिनोमिनेटर में एक बहुत बड़ा नंबर आ जाए, तो आपकी फ्रैक्शन ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाती है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, ये वाला कॉन्सेप्ट है। जरूरी नहीं है कि ऊपर वन हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन नीचे इतना बड़ा नंबर है कि ऊपर कोई भी नंबर हो उस बेचारे की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि नीचे एक इनफाइनाइट बड़ा नंबर है। तो मैटर नहीं करता ऊपर वन है, कोई भी कॉन्स्टेंट है, नीचे अगर इन्फिनिटी आ गया तो ये पूरी चीज जीरो के बराबर हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है सबको? ऐसी कोई टर्म होती है जिसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो? हाँ बिल्कुल होती है ऐसी। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ, नॉर्मली ऐसी एग्जाम्पल्स आपको पीस वाइज फंक्शन में मिलती हैं। कोई ऐसा फंक्शन जिसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो, टेंजेंट है। अगर आप टेंजेंट की लिमिट निकालो, एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय टू, तो इसका आंसर आपको नहीं पता। स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि इसका आंसर इन्फिनिटी है, इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं होगा। क्यों? उसकी रीजन समझ लो कि टेंजेंट का ग्राफ इस तरह होता है, इन्फिनिटी पे आपको एक एजम्प्टोट मिल रहा होता है। ये भी मैं बताऊंगा एजम्प्टोट क्या होता है, बल्कि एजम्प्टोट देख लो यार, अभी आप लोगों ने सवाल पूछ लिया, एजम्प्टोट आपका इंपॉर्टेंट भी है, जरा देख लो इसको। एजम्प्टोट क्या होता है? एक वर्ड होता है एजम्प्टोट्स, यह आपको हाइपरबोला में किसी ने बताना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एजम्प्टोट क्या होता है भाई? एजम्प्टोट एक लाइन होती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ऐसी लाइन जिसके पास कर्व अप्रोच कर रहा होता है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसके पास एक कर्व अप्रोच कर रहा है, तो उस वाली लाइन को आप क्या बोलते हो? एजम्प्टोट बोलते हो। तो ये स्ट्रेट लाइन है, जरा गौर करो, कर्व जो है वो इसके पास अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो आपको टेंजेंट के ग्राफ में 90 डिग्री पे ना एक एजम्प्टोट मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे लिमिट निकालना चाहो, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे होगे, तो आपका ग्राफ देखो पॉजिटिव इन्फिनिटी के पास जाता जा रहा है, और अगर आप इससे आ रहे होगे, तो आपका ग्राफ नेगेटिव इन्फिनिटी के पास जा रहा होगा, तो आप बोलोगे 90 पे टेंजेंट की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। खैर टॉपिक आगे क्या है, आपने पूछा तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दी है। इसी तरह कुछ पीस वाइज फंक्शन इस टाइप के होते हैं, आपने पढ़े नहीं है, लेकिन कोई फंक्शन इस तरह बना हुआ है, अच्छा कोई इस तरह बना हुआ है, अब इनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल हो सकती हैं, लेकिन वो आप लोगों के कोर्स का ऐसा हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं इतनी डिटेल में गया नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा अब मेरा सवाल ये है, जरा गौर से सुनना, और जो आंसर बताएगा बहुत अच्छी बात है। आपने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पढ़ा होगा, अगर किसी को याद है यहाँ पे, सर बोर्ड ब्लर क्यों आ रहा है? यार मेरा बोर्ड ब्लर आ रहा है, सबको इशू हो रहा है या किसी एक स्टूडेंट को है? जिनका ठीक आ रहा है वो ज़रा बता दो ना, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। सही है सर, ठीक है यार, अगर मेरी तरफ से इशू होगा तो सबको होगा, तो बाकी कह रहे हैं क्लियर है, तो इसलिए इसका मतलब मेरा इशू नहीं है। ये मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, जहन से निकल गया, क्या बताने लगा था मैं, हाँ मैं आप लोगों को बोल रहा था कि जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, अगर आपसे सवाल पूछा जाए, ज़रा गौर से सुनना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको एजम्प्टोट कहाँ पे मिलता है, तो उसका जवाब क्या होगा? अगर किसी को पता है तो ज़रा सोच के मुझे बता दें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एजम्प्टोट आपको कहाँ पे मिलता है? एक्स एक्सिस पे, यार जरा मुझे बताओ कैसे मिलता है, किसने बताया? माइक्रोफोन ऑन कर सकते हो हसन भाई? एक्स एक्सिस पे कैसे मिलता है, बाकी को भी बताओ।
खैर यार अब तुम बता नहीं रहे तो टाइम ज़ाया होगा, मैं खुद ही बता देता हूँ। सर माइक नहीं खोल सकता। अच्छा भाई ना खोलो तुम। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर आप देखो तो इस टाइप का बनता है, ये थोड़ा मिल गया यहाँ पे। आपको जो मैंने ऐप बताई हुई उसमें भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन ड्रॉ करके देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप इस ग्राफ को देखो एक्स एक्सिस के बहुत करीब जा रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो एक एसिम्प्टोट है, क्योंकि कर्व जो है वो इस एक्स एक्सिस के पास बिल्कुल अप्रोच कर रहा है लेकिन इसे मिल नहीं रहा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको जो एसिम्प्टोट है वो एक्स एक्सिस में मिलता है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए, वाई इक्वल टू जीरो होती है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको एसिम्प्टोट वाई इक्वल टू जीरो पे मिलता है। और अगर बात की जाए लॉगरिथमिक फंक्शन की, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको जो एसिम्प्टोट है वो कहाँ पे मिलेगा, वाई एक्सिस पे मिलेगा, क्योंकि अगर आप गौर करो आपका फंक्शन जो है वो वाई एक्सिस के पास अप्रोच कर रहा है बिल्कुल। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको एसिम्प्टोट मिलता है वाई एक्सिस पे, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर। आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, और वो एक ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। ये लिमिट ऑफ सीक्वेंस में भी हमने किया था, लेकिन लिमिट ऑफ सीक्वेंस में इस फॉर्म में लिमिट गिवन नहीं होती थी, और जनरल टर्म इस फॉर्म में गिवन नहीं होती थी, वहाँ ब्रैकेट की फॉर्म में होती थी, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते सिंप्लीफाई करते। तो वहाँ पे मैंने एक अलग तरीका बता दिया था कि मैक्सिमम पावर को कॉमन लोगे और सॉल्व करोगे। अगर आपके पास नॉर्मली फंक्शन इस टाइप के आ रहे होते हैं, अगर सीक्वेंस की जनरल टर्म भी इस फॉर्म में गिवन हो तो ये तरीका वैलिड है उसके ऊपर, बस लिमिट इन्फिनिटी के पास होनी चाहिए। ये असल मैटर करता है कि लिमिट इन्फिनिटी के पास हो, बाकी ये तरीका वैलिड है। तीन केसेस बन सकते हैं। सबसे पहला केस ये है कि डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है वो छोटा है, न्यूमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है वो बड़ा है। छोटा और बड़ा पॉलिनोमियल को डिसाइड कैसे करोगे, डिग्री देख के। अगर आप न्यूमिनेटर में देखो तो पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। तो जब न्यूमिनेटर में डिग्री ज़्यादा होती है तो स्ट्रेट अवे पूरी लिमिट का आंसर इन्फिनिटी होता है, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है इसको। जैसे ही आपने देखा कि न्यूमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है, सॉल्व करना छोड़ दो, डायरेक्ट आंसर इन्फिनिटी लिख दो। जैसे ही आपने देखा कि डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, इस सवाल में डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है न्यूमिनेटर की कम है, तो इस पूरी लिमिट का आंसर जीरो होता है, कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। और जब आप ऑब्जर्व करो कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है, इसकी डिग्री भी 2, इसकी डिग्री भी 2, तो फिर आंसर क्या होता है कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है न्यूमिनेटर में 2 डिवाइडेड बाय जो लीडिंग कोएफिशिएंट है डिनोमिनेटर में -3, दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर लीडिंग कोएफिशिएंट 2 था, नीचे लीडिंग कोएफिशिएंट -3 था, आप डिवाइड कर दो, इस पूरी लिमिट का आंसर हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि लिमिट इन्फिनिटी के पास अप्रोच करनी चाहिए। अगर इन्फिनिटी के पास अप्रोच नहीं कर रही, किसी नंबर के पास अप्रोच कर रही है, तो आपका सवाल काफ़ी ईजी हो सकता है, आप डायरेक्ट पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो इसको। लेकिन अगर ये इन्फिनिटी के पास अप्रोच कर रही है, तब ये तरीका आपका बिल्कुल वैलिड है।